Hi guys, in this session we want to discuss about how to integrate HTML and PHP with each other. Guys, here we want to see how to integrate HTML and PHP with each other. बिफोर दैट फ्रेंड्स, उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाई वी नीड टू इंटीग्रेट HTML एंड PHP विथ ईच अदर. उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आपको HTML और PHP एक दूसरे के साथ क्यों इंटीग्रेट करना है. वाई वी नीड टू इंटीग्रेट द HTML एंड PHP विथ ईच अदर. Sometime we require to generate HTML at runtime. Sometime we require to generate the HTML at runtime programmatically. Then we can use the HTML and PHP with integrational format. मतलब कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, HTML हमें रन टाइम में जनरेट करना है, तब हम क्या करते हैं, HTML को PHP के अंदर इंटीग्रेट करके यूज करते हैं. एग्जाम्पल बताता हूं फ्रेंड्स. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, समझाता हूं. मान लीजिए आपका ये पेज है, इस पेज का नाम है table.php. यहां पे एक टेक बॉक्स आपने दिया है, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर. और यहां पे आपके पास एक बटन है, प्रिंट टेबल. जैसे भी आपने यहां पे लिखा एंटर द नंबर 5, और यहां पे आपने इसके ऊपर क्लिक किया प्रिंट टेबल के ऊपर. सो वी वांट टू जनरेट रन टाइम टेबल हियर. मैं चाहता हूं कि यहां पे ये टेबल रन टाइम में बने. इस टेबल का फॉर्मेट ऐसे रहेगा, इटरेशन into number equals to result. ऐसे होगा, iteration into number equal to result. मतलब यहां पे आपका iteration रहेगा. इस तरीके से हमें टेबल जनरेट करना है फ्रेंड्स. मतलब हम ऐसा चाहते हैं, ऐसे 10 रो आने चाहिए और फिर यहां पे हमारा डेटा ऐसे रहेगा, 1 × 5 = 5, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15. इस तरीके से. तो आप देखिए गाइस, यहां पे ये जो GUI दिख रहा है, ये जो टेबल का GUI है, ये टेबल का GUI PHP नहीं बनाता. टेबल का GUI डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, GUI डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, HTML की. और ये जो GUI है, ये GUI रन टाइम में जनरेट करना, राइट, GUI रन टाइम कंटेंट, रन टाइम कंटेंट जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है PHP की. मतलब देखिए गाइस, रन टाइम में कंटेंट जनरेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी PHP की है.
और जीयूआई डेवलप करना ये रिस्पांसिबिलिटी एचटीएमएल की है। जीयूआई डेवलप करना ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? एचटीएमएल की। और रन टाइम में कंटेंट जनरेट करना ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? पीएचपी की है। मतलब देखिए, रन टाइम में कंटेंट जनरेशन और जीयूआई जनरेशन दोनों चीजें एक साथ चाहिए। सो हियर वी रिक्वायर, यहां पे लिख के भी देता हूं गाइड में आपको, हियर वी रिक्वायर जीयूआई एट रन टाइम। सो जीयूआई कौन बनाता है? एचटीएमएल। रन टाइम में कौन बनाएगा? पीएचपी। मतलब हियर वी रिक्वायर जनरेट, हियर वी रिक्वायर कंबाइन द एचटीएमएल कोड एंड पीएचपी कोड, राइट? हियर वी कंबाइन द एचटीएमएल पेज एंड पीएचपी कोड, HTML कोड एंड PHP कोड विद ईच अदर, इसे हम इंटीग्रेशन कहेंगे। इस केस में गाइस आपको HTML का कोड और PHP का कोड एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? इट इज यूज ऑफ दिस। सो ऐसे कहते हैं, इफ यू वांट टू इंटीग्रेट HTML कोड एंड PHP कोड विद ईच अदर, we have the major two ways, we have a major two ways। अगर आप चाहते हैं कि HTML का कोड और PHP का कोड एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके यूज करें, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक राइट कंबाइन इंटीग्रेट HTML टैग इन PHP यूजिंग इको स्टेटमेंट, और ब्रेक द PHP टैग for writing HTML code। इन दो तरीके से हम HTML और PHP को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट द HTML टैग एंड PHP टैग यूजिंग इको स्टेटमेंट्स। मतलब गाइस, वी कैन राइट और वी कैन यूज ऑल HTML कंट्रोल्स और वी कैन यूज ऑल HTML टैग्स इन अ PHP अंडर द इको स्टेटमेंट। मतलब सिंटैक्स के तौर पे आप यहां पे ऐसे कर सकते हैं, इको HTML टैग हियर, ऐसे हो सकता है। एग्जांपल, इको टेबल बॉर्डर 5 लाइन ऑफ ए सेंटर विड्थ इक्वल्स टू 80% हाइट इक्वल टू ऑफ ए 60%, ऐसे हो सकता है। So now guys, we want to design this example. Friends, मैं आपको ये example करके दिखाता हूं, तो आपको idea आ जाएगा कि what we want to do is here. Okay. तो सबसे पहले अभी हम HTML पेज बनाते हैं। HTML head title integrate HTML in a PHP slash of a title slash of a head body slash of a body slash of a html। फिर यहां पे लिखिए table border of a 5 line of a center slash of a table PRTB first value, enter the value slash of a td input type equal to of a text, name equal to of a n, value equal to of a blank, td, input type equals to submit, name equal to of a yes, value equal to of a print table, td, yeah. File, guys, you have a file, save as test table.php, save it. या फिर आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल सेव एज सी ड्राइव, जाम के अंदर आइए, यहां से एसटी डॉक के अंदर आइए, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, ओके यूज टेबल, यहां पे फिर आप ऐसे लिखिए टेस्ट टेबल डॉट पी एच पी इंटर हियर। सो गाइस ओपन द गूगल क्रोम, ऐसे कीजिए लोकल होस्ट स्लैश
use table slash test table dot php enter yes। अभी हमें यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर अगर इंटर करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो आई वॉन्ट टू जनरेट हियर टेबल, क्लियर, आई वॉन्ट टू जनरेट द टेबल हियर। ओके, मैं इसका बॉर्डर हटाता हूँ गाइस और इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ तो आपको क्लियर अच्छे समझ में आएगा। विड्थ इक्वल्स टू 70% फाइल सेव ऑन। ओके, विड्थ कम ही करते हैं, 50% ही करते हैं गाइस। ओके, अभी हमें यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना है, वी वांट टू जनरेट टेबल। सो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, तो फिर आप यहाँ पे आइए, ऐसे लिखिए फॉर्म नेम इक्वल टू ऑफ एफ आर एम, एक्शन इक्वल टू ऑफ ए ब्लैंक, मेथड इक्वल टू ऑफ ए पोस्ट। स्लैश ऑफ ए फॉर्म, ओके, फिर क्वेश्चन मार्क ऑफ ए पीएचपी ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है पार्ट टू में, जब एक्शन ब्लैंक होती है मतलब आपका फॉर्म उसी पेज पे सबमिट होता है, तो आपको यहां पे ऐसा लिखना पड़ेगा इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ ए यस। इसका मतलब हम देख रहे हैं अगर बटन क्लिक हुआ तो, इसका मतलब अगर बटन क्लिक हुआ तो यस, डॉलर ऑफ ए नंबर इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ ए एन, ऐसे है। फिर आप लिखिए फॉर डॉलर ऑफ ए आई इक्वल टू वन, डॉलर ऑफ ए आई इज लेस देन इक्वल टू ऑफ ए टेन, डॉलर ऑफ ए आई प्लस प्लस इक्वल डॉलर ऑफ ए आई इनटू डॉलर ऑफ ए नंबर डॉट ऑफ ए बी आर इज देयर। फाइल को सेव कीजिए, देन 5 एंड प्रिंट हियर। Here we have a table 5, 10, 20 years. Lekin guys, we are not interested in this type of output. We are interested in this type of output. Hame is tarike ka output chahiye. I don't understand or not. To guys, main aapko recommend karta hu. Agar aap is tarike ka output chahiye, to HTML to generate karna hi padega runtime mein. To fir aap yahan pe aa jaiye. Abhi aap yahan pe loop ke pehle aa jaiye. Fir aap yahan pe likhiye echo table border 5 align face center width equals to of a 70%, height equals to of a 60%, echo PR PH iteration PH PH into PH PH number PH PH equals to PH, and here we have a result slash of a th slash of a tr. Then echo slash of a table is there. Okay, फिर आप यहां पे आ जाइए guys. अब देखिए आप रन टाइम में रो जनरेट करना चाहते हैं, देखिए हमने HTML सीधा echo में लिखा और इसकी जो प्रॉपर्टीज है सिंगल कोट में ही लिखना फ्रेंड्स, कैसे लिखना सिंगल कोट में, फिर आप यहां पे आके ऐसे लिखिए echo यार इको स्लैश ऑफ ए टी आर इको टीडी यस और नॉट, इस तरीके से। सो अभी अगर आप सोचते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो भी आपका लूप है, ये लूप आपका 10 बार चलेगा, इस लूप एग्जीक्यूटेड 10 टाइम्स, ये लूप 10 बार चलता है, मतलब ये लूप अगर 10 टाइम चलेगा मतलब आपका टीआर भी 10 बार चलेगा, टीआर एग्जीक्यूटेड 10 टाइम्स मींस टीआर एग्जीक्यूटेड और जनरेट एट रन टाइम 10 टाइम्स यूजिंग ए पीएचपी लूपिंग स्टेटमेंट्स, यस और नॉट। मतलब ये हुआ ना गाइस कि हमने ये जो HTML है मैंने रन टाइम में जनरेट किया, राइट। अभी देखिए इस फाइल को आप सेव कीजिए फ्रेंड्स, ये जो फाइल है आप इसे एक बार सेव कीजिए, सेव इट, देन आप अभी इसे रिफ्रेश कीजिए। ओके, देखिए आ गया ना टेबल, लेकिन गाइस अभी हमें इसके अंदर वैल्यू चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं इसके अंदर वैल्यूज
इनपुट करें। मैं चाहता हूं यहां पे वैल्यूज आनी चाहिए, तो ये वैल्यूज ऐसे आनी चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसके अंदर हम वैल्यू चाहते हैं, अगर इसके अंदर आप वैल्यू चाहते हैं, ये वैल्यूज आपकी रन टाइम में आनी चाहिए। ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपकी कैसे आनी चाहिए, ये वैल्यूज आपके रन टाइम में आनी चाहिए। अगर आपकी ये वैल्यूज अगर रन टाइम में आनी चाहिए, आर यू अंडरस्टैंड नॉट, तो ये वैल्यू जनरेशन का काम किसका है, पीएचपी का। तो आप सीधा एसटीडी के अंदर ऐसे लिखिए डॉलर ऑफ आई। देखिए गाइस, अगेन यस आई, फिर इसके अंदर इनटू एज इट इज दिखना चाहिए डॉलर ऑफ नंबर इक्वल्स टू डॉट, ऐसे कीजिए डॉट। ये कॉन्केट, ये कैलकुलेशन इसीलिए कॉन्केट किया डॉलर ऑफ आई इनटू नंबर। ये कैलकुलेशन इसीलिए हमने इसे सेपरेट कर दिया स्ट्रिंग से, क्योंकि जब अगर हमें डायरेक्टली लिखते देखे राइट, अगर मैं डायरेक्टली लिखता तो व्हाट हैपन, मैं आपको पहले करके दिखाता हूं गाइस, आपका आउटपुट प्रॉपर नहीं आता। फाइल सेव ऑल, रिफ्रेश इट, कंटिन्यू, ऐसे आता। आर यू अंडरस्टैंड नॉट, 1 into number, 2 into, राइट। तो हमें प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए, अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए सो वी कैन राइट हियर डॉट डॉलर डॉट, सेपरेट कीजिए इसे, मतलब ये कैलकुलेशन है। फिर अभी आप देखिए यस ओके, अगर आप यहां पे कोई भी नंबर डालते हैं तो देखिए रन टाइम में टेबल जनरेट हो जाएगा। आप कोई भी नंबर डाल दीजिए आपको दिल चाहे, देखिए माय पॉइंट, मतलब देखिए ये जो एस्टीमेट जनरेट हुआ है फ्रेंड्स, ये रन टाइम में जनरेट हुआ है। ये जो भी आपका एस्टीमेट जनरेट हुआ है, ये कैसे हुआ है, रन टाइम में हुआ है। तो ऐसे केस में हम एस्टीमेट और पीएचपी दोनों को एक साथ यूज करते हैं ओके। तो ये एक पहला वे था गाइस, अगर आप एस्टीमेट और पीएचपी को एक साथ यूज करना चाहते तो सीधा एस्टीमेट के टैग इको में लिखिए। सेकेंड, ब्रेक द पीएचपी टैग फॉर राइटिंग एस्टीमेट कोड। ये जो भी है फ्रेंड्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ ओके। थैंक यू।